तो एक इम्पॉर्टेंट हम केस देख रहे थे, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट देखे थे हमने, आइसो एनर्जेटिक और आइसो एंथेल्पिक। तो आइसो एंथेल्पिक वाले की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, हम आइसो एंथेल्पिक वाले का डिस्कशन कर रहे हैं। हमने एक इंसुलेटेड चेम्बर लिया, और इंसुलेटेड चेम्बर लेके हम लोगों ने ऐसे करके इंसुलेटेड चैम्बर लिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अरे भाई कितने लेक्चर लगेंगे, मैं बता तो चुका हूँ। तुम तो मूर्ख हो क्या? तुमको डेट दे चुका हूँ मैं कि 25-20 तारीख को जेम वाला खत्म हो जाएगा, 25 तारीख को थर्मो और 31 तारीख को नेट वाला कोऑर्डिनेशन, बता तो चुका हूँ। बकवास करते रहते हैं, पछता नहीं है तुमको? लगता है मुफ्त की काम चीज, बेवकूफ। यहाँ पे एक पोरस प्लग लगाया हुआ था हमने, ठीक है, पोरस प्लग लगाया हुआ था, ऐसे नहीं बताना चाहिए। इनफैक्ट पोरस प्लग के बहुत छोटे छेद होते हैं, वैसे तो पोरस प्लग ही नाम दे देता हूँ। एक पोरस प्लग लगाया हुआ था, अलाउ करता है यहाँ हायर टेम्परेचर, T1 P1 लिया हुआ था हमने, और T2 P2 लोअर प्रेशर पर, ठीक है, लोअर प्रेशर पर। तो ये स्टोरी थी हमारी T1 P1, राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट को क्यों किया गया ये तो मैं आपको समझा चुका था, कंक्लूजन्स क्या आएंगे ये इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी थी, किस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन्स क्या ड्रॉ होंगे, राइट। एक दो बात हमने बहुत इंपॉर्टेंट समझ ली थी कि इस एक्सपेरिमेंट से निकालते क्या है, कैलकुलेशंस क्या होंगी या मेजरमेंट्स क्या होंगे, क्यों करते हैं मैं बता चुका था। मेजरमेंट्स क्या मेजर करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, मेजर क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं, अब बताए। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग मेजर करते हैं चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, और ये पूरा प्रोसेस कॉन्स्टेंट एंथैल्पी पे हो रहा है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाला जो क्वांटिटी आपके सामने लिखा हुआ डेल्टा टी बाई डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट एच, ये मेजर किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये मेजरमेंट वाली क्वांटिटी होती है, और इसी क्वांटिटी को जिसको हम मेजर कर रहे हैं, इसी क्वांटिटी को कहा जाता है म्यू जे टी, जूल थॉमसन कोइफिशियंट। तो अब आज जो हमारी बात होगी वो होगी कैलकुलेशन से रिलेटेड। कल हमने बात की थी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कि क्या करवाया क्यों करवाया, मैंने बहुत डिटेल में आपको डिस्कस किया था कि हम आइसोबारिक प्रोसेस देख चुके थे, आइसोकोरिक प्रोसेस देख चुके थे, एडियाबेटिक प्रोसेस देख चुके थे, राइट, आइसो थर्मल प्रोसेस देख चुके थे। हम आइसो एंथैल्पिक और आइसो एनर्जेटिक प्रोसेसेस को नहीं देख पाए थे, उसमें से ये जो प्रोसेस था दैट इज इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। उस आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस को हम समझ रहे थे, और वो आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस कब होगा, जब भी कोई गैस अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर एक्सपांड, एडियाबेटिकली, ये कमेंट नीचे, जब भी कोई गैस, मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक कहानी आई थी, कोई भी गैस है, दो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किए थे, कोई बात नहीं, हाँ दो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किए थे। एक कंक्लूजन हमने ड्रॉ क्या किया था बेटा जी, याद करिए कंक्लूजन, याद करिए कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था कि अगर कोई भी गैस गैस है जो एडियाबेटिक एडियाबेटिक अगर फ्री एक्सपेंशन होता है, किसी भी गैस का एडियाबेटिक अगर फ्री एक्सपेंशन होता है तो उन केसेस में वो आइसो एनर्जेटिक होते हैं, उनका डेल्टा यू जीरो आता है या यू बराबर कॉन्स्टेंट वाले प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोगों ने आइसो एनर्जेटिक प्रोसेस बोले थे, ठीक है। और दूसरे जो प्रोसेसेस की चर्चा हो रही है हमारी, वो हो रही है कि अगर कोई भी गैस एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑन डाउनहिल स्लोप ऑफ प्रेशर, मींस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अगर ऐसा होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर एक्सपांड करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगर एक्सपांड कर रही है कोई भी गैस, ऐसे केसेस में वो प्रोसेस होते हैं उनमें एंथैल्पीज कांस्टेंट रहती हैं, और उन प्रोसेसेस को हम आइसो एंथैल्पिक कहते हैं। ये कंक्लूड हम कर चुके थे, ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंक्लूड कर चुके थे। अब ये एक्सपेरिमेंट जो किए हमने, इनसे इनसे निकाला क्या जाएगा, मेजरमेंट क्या होगा, क्या हम कंक्लूड क्या किया छोड़ दीजिए, कैलकुलेट क्या करेंगे,
अब इस पर आ जाती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम चेक कर चुके थे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या होगा, क्या कैलकुलेट किया जाएगा इस जूल थॉम्सन मेजरमेंट से, उस पर आज हम आ रहे हैं। मेजरमेंट क्या किया जाएगा, किसको मेजर करेंगे इस जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो किसको मेजर करेंगे जनाब, किसको मेजर करेंगे, ये वाला जो फैक्टर, इसको मेजर किया जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। क्लियर है, आप समझ गए? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बातों की, और आज की क्लास में हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये जितने भी पूछ रहे हैं कब खत्म होगा, इनको मैं क्लियरली डेट बता चुका हूँ, कितने लेक्चर इतने लेक्चर नहीं पता, मैं डेट दे चुका हूँ, उस तारीख को ख़त्म हो जाएगा। अब ये अगर बकवास ना करे तो बेटर है, बकवास करेंगे तो मुझसे पिटेंगे, और मतलब मेरे गुस्से का और कारण बनेंगे, ध्यान रखना, मुझसे पिटेंगे और सबके सब, ठीक है? तो ये हम मेजर करेंगे। अब इससे पहले कि हम ये मेजर करें, कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं, कैसे निकालेंगे पहले तो ये। तो इस पूरे जो फॉर्मूले हैं उसमें टीपीएच, अगर हम तीन स्टेट फंक्शंस को लेके उस पर साइक्लिक रूल लगाए, एक तरीका है ये निकालने का, और दूसरा तरीका है आइसो एंथैल्पी का कंसिडरेशन करके और आइसो एंथैल्पी की कंडीशन लगा के निकाल लें, जो मर्जी आप चाहें तो टोटल डिफरेंशियल से निकाल सकते हैं, चाहे तो साइक्लिक रूल से, दोनों मेथड हमारे पास, चाहें तो आप टोटल डिफरेंशियल से निकाल सकते हैं, आप टोटल डिफरेंशियल से निकाल सकते हैं, राइट, चाहे तो आप साइक्लिक रूल से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैथमेटिक्स है, जो पसंद आ रही है उस वाली मैथमेटिक्स का सहारा ले लीजिए, कतई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जिसका सहारा ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टोटल डिफरेंशियल में हम लोग लिख सकते हैं, हम जानते हैं नॉर्मली हम एच को फंक्शन ऑफ पी टी लिखते हैं, लिख तो कुछ भी सकते हैं लेकिन फंक्शन ऑफ पी टी लेके चलते हैं, ये ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है हमको। अगर एच को फंक्शन ऑफ पी टी लेके चलेंगे तो डी एच क्या लिखा जा सकता है, टोटल डिफरेंशियल आपको पता ही होगा, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात करें तो क्या लिखा जा सकता है टोटल डिफरेंशियल, डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी टी प्लस क्या लिख सकते हैं, डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी। ये अनेकों बार मैंने लिखा है, इसमें कोई दोराय नहीं होना चाहिए, जाने कितने ही बार, आज ही आएगा रोहन एलएफटी का लेक्चर, पढ़ने पहले यहां पहले इसमें मर लो, थर्मो की क्लास में मर लो, जीओसी कब आएगी, मैं क्लास बंद करवा दूंगा यूट्यूब वालों, तुम नौटंकी करोगे तो, जीओसी कब आएगी, एलएफटी कब आएगी, फलाना आता तो मेरा दिमाग खराब तुमने कर रखा है, बीमार करके रखा हुआ है साले, मैं बंद करा दूंगा यूट्यूब वाले, एक तो पढ़ते नहीं है सर, वो एलएफटी कब आएगी, वो कब आएगा, जीओसी कब आएगी, क्लास थर्मो की चल रही है, तमाशा करने आ जाते हैं यहां, काम की बात चल रही है उसमें तो नहीं है, एलएफटी कब आएगी, फलाना कब आएगा, ढिमकाना कब आएगा, पापा कब आएगा, मम्मी कब आएगी, ऐसी की तैसी आएगी तेरी, साले नौटंकी बाज, जीओसी कब आएगी, एलएफटी कब आएगी, अरे थर्मो की क्लास चल रही है भाई, ना तो टोटल डिफरेंशियल एक मेथड होता है हमारे पास, मैथमेटिक्स में दो मेथड हमने पढ़े थे, या तो हम साइक्लिक रूल से जा सकते हैं, टोटल डिफरेंशियल से जा सकते हैं, किसी से चले जाइए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गणित है, गणित को हम कैसे भी लें उस गणित को यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो डीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बात आप और मैं भली भांति जानते हैं, क्योंकि एंथैल्पी कॉन्स्टेंट है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जो एंथैल्पी है जनाब वो कॉन्स्टेंट है, अगर वो कॉन्स्टेंट है तो ये बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि जो डीएच होगा वो कहीं भी, उसका डिफरेंशियल कहीं भी हम निकालेंगे तो वो जीरो होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल उसका, टोटल डिफरेंशियल जीरो होगा, मींस दिस कम्स आउट टू बी जीरो बिकॉज एंथैल्पी इज कांस्टेंट, अगर एंथैल्पी कांस्टेंट है तो इसको भी हम लोग एट कांस्टेंट एंथैल्पी, एट कांस्टेंट एंथैल्पी ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डीएच को जीरो किया है तो कांस्टेंट एंथैल्पी की तरह लिख सकते हैं, पक्का बोलो बेटा जी, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा डेल एच ऑफ ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डेल टी अपॉन डेल पी, मैंने इस डेल पी का डिवाइड कर दिया, इस वाले डेल पी का डिवाइड कर दिया एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, बराबर माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, याद करो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट से ला सकते हैं हम लोग, ये वाली चीज सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट से आ जाएगी पक्का आपको,
एच इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर निकालना है, एच विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पीवीटी निकालना है, सॉरी ये बोलना चाहिए मुझे, एच इन विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एच विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट हम जानते हैं, बहुत भली बात है, अब ये बातें तो बहुत 50 बार सीख चुके हम लोग, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास थी, उससे चीज निकल के आ जाएगी, पक्का बोलो बेटा जी, और ये चीज तो सीपी होती ही हमको पता ही है, ये चीज तो कंफर्म सीपी होती है हमको पता है बोलो, और ये हमको निकालना है, तो मतलब फॉर्मूले को अगर हम ढंग से एडजस्ट करें तो दिस इज सीपी, ये चीज हमको पहले से पता है, दिस इज सीपी, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट से हम ले ही आएंगे, और इसको हमको निकालना है, यही है जो निकालना है, और इसी को म्यूजेटी बोलते हैं, इट मींस म्यूजेटी, जूल थॉमसन कोफिशियंट अगर हमको निकालना पड़े, दैट कम्स आउट टू, इसका डिवाइड कर देंगे माइनस वन अपॉन सीपी, सीपी का डिवाइड कर दिया, कम्स आउट टू बी डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और ये कितना होता है, ये बात आपको बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए, सेकंड साइक्लिक रूल से भी कर सकते हैं, अभी साइक्लिक रूल से अगले उसमें कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कॉपी मार लेता हूं, ये कॉपी, अरे यार क्या कॉपी मार लिया मैंने, ये कॉपी मारना था, मार लिया दूसरा कॉपी, कोई बात नहीं, साइक्लिक रूल से भी आऊंगा मैं इसको करने पे, पहले हम इसकी अगर चर्चा करें तो आपको पता ही है डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कितना होता है, बताओ क्या होता है वैल्यू, जल्दी फटाफट बताओ, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या थी, जल्दी सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट बताओ मुझे, फटाफट सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट बताओ मुझे, फटाफट सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट बताओ, बताओ बताओ मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट बताओ, हाँ डी यू बी एच यू एम एस सी सबका कोर्स आ रहा है, सी यू सेट का भी आ रहा है, यूट्यूब पे डी यू के भी आ रहा है, बी एच यू का भी आ रहा है, सबका आ रहा है, क्रैश कोर्स सबका आ रहा है, डी यू बी एच यू सी यू सेट सबका आ रहा है यूट्यूब पर, इनके लक्षण तो नहीं है लाने के लेकिन आ रहा है फिर भी, डी यू बी एच यू सी यू सेट सबका आ रहा है, ठीक है बताओ क्या होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, बताओ बताओ यार सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट बताओ, डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस टी डीवी बाई डी टी प्लस वी, एब्सोल्यूटली दीपक यू आर राइट, यू आर राइट, यस टी डीवी बाई डी टी, यस पी कहां से आ गया, कॉसिक सोनी पी नहीं आएगा, पी कहां से आ गया, पी कहां से आ गया, हट रवि कुमार पी नहीं, यस 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 बात सही भारद्वाज सही जवाब, यस 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 जोनिका जोनिका सुमित्रा, हाँ डेल वी और डेल टी प्लस वी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वी माइनस टी डेल वी बाई डेल टी ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ठीक है ठीक है, याद है आपको, मतलब आपको याद है माइनस टी डेल वी ओवर डेल क्या आएगा बताओ, टी या पी टी या पी टी या पी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस का वी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलो बेटा जी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलो बेटा जी, याद रखने के लिए बताता हूँ इक्वेशन ऑफ स्टेट्स की कहानी, याद रखने के लिए सुन लो, याद रखने के लिए सुन लो, अगर ये डेल डेल हटा दें तो ये चीज जीरो हो जाती है, याद रखने के लिए बता देता हूँ मैं, याद रखने का तरीका है, अगर डेल हटा दो तो वी बाई टी प्लस वी जीरो हो जानी चाहिए, अगर डेल वेल हटा दो तो जीरो हो जानी चाहिए, देखो कट गया कट गया कट गया कट गया जीरो, तो याद रखने का तरीका हमेशा, याद रखने का तरीका है हमेशा, याद रखने का मेथड है ये, याद रखने का मेथड है ये, याद रखने का मेथड है ये, अल्फा की टर्म में बताओ, अल्फा की टर्म में बताओ, अल्फा की टर्म में बताओ, अल्फा की टर्म में, ये तो आपने बता दी, अल्फा की टर्म में बताओ, अल्फा की टर्म में, चलिए अभी अल्फा की टर्म में बता देना, तब तक मैं इसको रख देता हूं, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट की जो वैल्यू है ये अगर हम यहां पुट कर दें तो म्यूजेटी हमारा क्या आ जाएगा, जूल थॉमसन अगर कोएफिशिएंट हमको चाहिए तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस वन अपॉन सी पी, आइसो एंथैल्पिक होता है डेफिनेटली, माइनस वन अपॉन सी पी डेल एस बाई डेल पी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस का वी, अगर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो वन अपॉन सी पी दैट कम्स आउट टू बी वॉट, टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस का वी, दिस इज म्यूजेटी, ये है आप को अगर निकालना है तो इस तरीके से हम जूल थॉमसन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, किसी का भी चाहे जिसका जूल थॉमसन कोएफिशिएंट अगर हमको निकालना पड़े हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वी विल गेट दिस, हम एक सेकंड में इस चीज को निकाल लेंगे, राइट और नॉट कंफर्म निकाल लेंगे, 100% म्यूजेटी कैलकुलेट कर लेंगे, 1 माइनस अल्फा टी एब्सोल्यूटली ठीक है, वो बाद में चर्चा करेंगे, अच्छा
उसको भी लिख लेते हैं अगर उसकी टर्म में, वी वन माइनस एल्फा टी, यस यस यस, वी माइनस अल्फा टी, वी माइनस एल्फा टी, यस 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 यस। तो उसकी टर्म में भी अगर हम उसको लिखना पड़े तो म्यूजेटी बराबर हमारे पास क्या है, म्यूजेटी बराबर माइनस वन अपॉन सी पी डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये वाली चीज है हमारे पास, राइट और नॉट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा की टर्म में, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट को, एच बाई पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज वी वन माइनस अल्फा टी, यस एब्सोल्यूटली ये लिखा जा सकता है वी वन माइनस अल्फा टी। तो हम चाहें तो म्यूजेटी को अल्फा की टर्म में भी लिख सकते हैं, एक सेकंड का खेल है, दैट इज माइनस वन अपॉन सी पी वी वन माइनस अल्फा टी, यस ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, वी वन माइनस अल्फा टी बोलो बेटा जी। अगर इसको अंदर रख देंगे तो वन अपॉन सी पी दैट इज या वी अपॉन सी पी दैट इज अल्फा टी माइनस वन, दिस इज म्यूजेटी इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अगर अल्फा की टर्म में चाहिए तो म्यूजेटी यही है ना, एक बार चेक और कर लो आप, कहीं ऊपर नीचे अपन ने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं करी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अल्फा की टर्म में अगर हमें चाहिए तो हमारे पास ये म्यूजेटी आ गया, यही है ना, कोई गलती तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लो कहीं गलती पे, कहीं जल्दबाजी में इधर उधर से तो नहीं हो गई है, कोई जल्दबाजी में तो नहीं हुआ ना। नहीं ठीक है, ठीक है, ओके ओके, यस 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 यस, एब्सोल्यूटली करेक्ट, हाँ ठीक है, मतलब तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जाना नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हो गए या एक ही एक्सप्रेशन हो गया, उसको लिख लेते हैं, म्यूजेटी बराबर अगर हमें लिखना पड़े तो दैट इज इक्वल्स टू म्यूजेटी बराबर अगर लिखना पड़े माइनस वन अपॉन सी पी माइनस वन अपॉन सी, अरे यार सी पी पेन भी ना, डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर वन अपॉन सी पी, क्या लिख सकते हैं टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस का वी बराबर वन अपॉन सी या वी अपॉन सी पी, सी पी क्या था, वी अपॉन सी पी अल्फा टी माइनस वन। तो ये है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन, आइसोएंथैल्पिक जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, कई लोग इसको आइसोथर्मल जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट बोलते हैं पर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, कई लोग इसको भी बोलते हैं आइसोथर्मल पर उसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट, वो कोई काम की बात नहीं है, आइसोथर्मल थर्मल जेटी जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, जेटी कोएफिशिएंट कहते हैं इसको, फाई टी वाई टी फाई जेटी करके, कोई मतलब नहीं है उसका, हमारा लेना देना सिर्फ म्यूजेटी से है और यही हमारे काम की बात है, कहने को कुछ भी कह दो। ये आपको समझ में आ गया कंप्लीटली, कैलकुलेट कर लेते हैं, किसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन ऑफ स्टेट को देखा तो हम निकाल देंगे, अगर मान लीजिए आइडियल गैस के लिए निकालना हो ये तो एनी गैस के लिए लग जाएगा, अगर मान लीजिए या साइक्लिक प्रोसेस से भी बता दूं, क्या साइक्लिक प्रोसेस से भी बता दूं आपको, तो साइक्लिक प्रोसेस से भी बता दूं, चाहो तो इसको ऐसे डिराइव ना करके साइक्लिक प्रोसेस से बता दूं, क्या फर्क पड़ रहा है यार, और निकाल मैथमेटिक्स है, कैसे भी निकाल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लो साइक्लिक प्रोसेस से निकाल लो, क्या मान लो क्या निकालना है, टी बाई पी निकालना है, टी ले लो पी ले लो और एच ले लो, लो ये एक साइक्लिक प्रोसेस ले लो, कर लो हो गया, तो टी बाई पी बराबर एक सेकेंड में आ जाएगा डेल टी बाई पी, यहाँ तो रहेगा कॉन्स्टेंट एच, यहाँ रहेगा कॉन्स्टेंट टी, यहाँ रहेगा कॉन्स्टेंट पी, दैट कॉन्स्टेंट एच इन टू इन टी बाई पी डेल पी बाई डेल एच एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन टू डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर माइनस वन, ये रहा साइक्लिक रूल, ये भाई ये चीज आप जानते हो, एच बाई टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दैट इज सी पी, टी बाई पी अपन को निकालना है, इसको करेंगे तो उल्टा, दिस इज म्यूजेटी, और ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट का एक्सप्रेशन है ही, तो आ जाएगा म्यूजेटी बराबर माइनस वन अपॉन सी पी वाई डेल एच ओवर डेल पी, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट्स इट, कैसे भी निकाल लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है, मैथमेटिक्स है, कुल मिला के खेल तो वही आना है, मैथमेटिक्स है इधर उधर की, खेल तो वही आना है।
ठीक है, क्लियर है आपको? गणित है, बाकी तो सब मैथमेटिक्स है, गणित है। कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला, आइडियल गैसेस के लिए कितना होगा? अगर किसी भी गैस के लिए निकालें, आइडियल गैस के लिए कितना होगा? अगर हमें आइडियल गैस के लिए निकालना हो, म्यूजेटी की वैल्यू कितनी होगी? कोई भी बता सकता है, एक सेकंड में बता सकता है आइडियल गैस के लिए, कि अगर म्यूजेटी आइडियल गैस के लिए निकाला जाए तो बताओ कितना आएगा। आप बताओ इसकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए कितनी होती है? आइडियल गैस के लिए आप जानते हो, आप यू या एच को विद रेस्पेक्ट टू वी या विद रेस्पेक्ट टू पी करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डी यू भी जीरो होता है, डी एच भी जीरो होता है। आइडियल गैसेस के लिए डेल यू भी जीरो होता है, डेल एच भी जीरो होता है। इसका मतलब आइडियल गैसेस के लिए आइसोथर्मल की बात करें, अगर आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मली हम एक्सप्लेन करें तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच बराबर जीरो ही आता है आइडियल गैसेस के लिए। तो इसका मतलब अगर आप, ये तो म्यूजेटी तो बाद में निकालेंगे, पहले तो ये समझ लेते हैं, अगर आप U का V के रेस्पेक्ट में करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, U का P के रेस्पेक्ट में करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब ऊपर वाला ही जीरो है तो सभी जीरो होगा एट T पे, H का V के रेस्पेक्ट में करें या H का P के रेस्पेक्ट में करें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, आइडियल गैसेस के लिए ये जो लगा हुआ है ना, ये बराबर कहता है जीरो ही होगा, जीरो ही होगा, कंफर्म जीरो ही होगा। तो ये बात आप कंफर्म समझ लो, डेल यू ओवर डेल वी, डेल यू ओवर डेल पी, डेल एच ओवर डेल वी, डेल एच ओवर डेल पी, कहीं भी विद रेस्पेक्ट टू वी या विद रेस्पेक्ट टू पी करवा रहा है आइसोथर्मली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये सभी जीरो होते हैं। ये तो आप बहुत भली बात ही जानते होंगे, ये चीज तो आप तो थर्मो में इतनी नॉलेज और इतनी फील आपको आ जानी चाहिए ना, बस एक थोड़ा सा लेक्चर्स में डिस्कनेक्शन की बात हो गई, थोड़ा मेरी तबीयत कैसे ब्रेक हो गया, अब मैं थोड़ा और मेहनत कर रहा हूँ, तबीयत एकदम ऑफलाइन आ गया, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहा हूँ। बाकी ये चीज तो फीलिंग की बात रह गई कि अगर एच विद रिस्पेक्ट टू पी करें, एच विद रिस्पेक्ट टू वी करें, यू विद रिस्पेक्ट टू पी करें, यू विद रिस्पेक्ट टू वी करें, आइसोथर्मली कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे डील कर रहे हैं, देन वी विल गेट जीरो थ्रू आउट, वी विल गेट जीरो, हमको जीरो ही मिलना है। हाँ 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 हाँ, या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हमको जीरो ही मिलना है। इन सबके आइडियल गैसेस के लिए है ये स्टोरी, ये स्टोरी आइडियल गैसेस के लिए है। तो म्यूजेटी क्या हो जाएगा आइडियल गैसेस के लिए, फटाफट बताओ मुन्ना, जल्दी बोलो। आप इसे एक चौहान तो उससे नहीं पूछा मैंने, पुराना नया, ठीक है, काम कर अपना। यस, जीरो ही होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो म्यूजेटी की वैल्यू कितनी, क्योंकि ये वाला पूरा जीरो है तो म्यूजेटी विल बी जीरो, म्यूजेटी विल बी जीरो डेफिनेटली। अब कंक्लूजन क्या निकल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकल सकते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो जो डेल पी था वो तो नॉन जीरो है, बिकॉज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की बात कर रहे हैं, डेल्टा जो पी है वो तो नेगेटिव है, गारंटी से चेंज इन प्रेशर तो नेगेटिव है, इट मींस डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी जीरो आया है, तो डेल टी की वैल्यू एक तरह से जीरो आ गई। ये अपने आप में कहता है कि टी वन बराबर टी टू आ गया, मतलब जितना टेम्परेचर इस तरफ है उतना ही टेम्परेचर उस तरफ होगा, जितना टेम्परेचर इस तरफ है उतना ही उस तरफ होगा, मतलब ना तो गैस हीट होगी एक्सपेंशन पे ना कूल होगी, आगे समझाया जाएगा, इसको नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग कहते हैं, क्या मतलब है सिग्निफिकेंस मैं आपको बता दूंगा, आई विल लेट यू नो द सिग्निफिकेंस, मैं आपको समझा दूंगा सिग्निफिकेंस, छोड़ दीजिए अभी सिग्निफिकेंस। अब हम सिग्निफिकेंस की तरफ आ जाते हैं, चाहे तो एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, वेंडरवाल के लिए निकाल दीजिए, एक और चीज कैलकुलेट कर लीजिए, वेंडरवाल के लिए निकाल लीजिए, फटाफट आप ही निकाल के बता दीजिए, वेंडरवाल के लिए निकाल लीजिए, जल्दी जल्दी वेंडरवाल के लिए,
वंडरवाल बाबा की जय हो। वंडरवाल के लिए निकाल लीजिए फटाफट, वंडरवाल के लिए चाहिए मुझे, मुझे वंडरवाल के लिए चाहिए, मुझे वंडरवाल के लिए चाहिए फटाफट, जल्दी से कैलकुलेट करो। म्यूजेटी फॉर वंडरवाल, वंडरवाल और बाकी कोई भी गैस देगा, इक्वेशन देगा, हम निकाल लेंगे। वंडरवाल गैस के लिए चाहिए मुझे म्यूजेटी, जल्दी से बताइए। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट कितना होगा वंडरवाल, ये सब गैसेस स्टेट चल। अरे इन्वर्जन फिर वर्जन, चुप रहा अभी, इन्वर्जन इन्वर्जन क्या होगा वंडरवाल के लिए, क्या होगा वंडरवाल के लिए, यस यस हाँ मैंने बताया था सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट वंडरवाल के लिए हम उल्टा निकालते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लिसिट नहीं है, इसलिए हम लोग वंडरवाल के लिए उल्टा निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था बड़ी मुश्किलातें आई थी हमको वहाँ भी, हमने कैलकुलेट किया था डेल्टा एच और डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर बी माइनस टू ए बाई आर टी, ये हमने निकाला था याद हो तो आपको, बी माइनस टू ए बाई आर टी एब्सोल्यूटली। इस चीज को यहां पर रख देंगे तो म्यूजेटी बराबर आ जाएगा, जो वहां पर हम लोगों ने देखा था माइनस वन अपॉन सीपी बी माइनस टू ए बाई आर टी। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू के वो निकाल के लाए थे याद करो, म्यूजेटी आपके पास आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी वन अपॉन सीपी टू ए बाई आर टी माइनस बी। याद रखना दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। याद करो सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने सॉल्व की थी, डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रही थी, उल्टा किया था हमने, डेल टी ओवर डेल वी किया था याद करो। यस 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 टू ए बाई आर टी माइनस बी, यस बेस्ट सही जवाब। याद करो हमने उल्टा किया था वंडरवाल क्या केसेस में, हमने उल्टा किया था जब हमें निकालना था डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जब हमें ये निकालना था तो हमने उल्टा किया था, रेसिप्रोकल लगाया था डेल टी ओवर डेल वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर निकाला था, और इसको निकाल के जो भी एक्सप्रेशन आया था इसको उल्टा कर दिया था, वन बाई हमने कैलकुलेट किया था, ये तरीका याद करो। रेसिप्रोकल हमने याद किया था, याद किया, रेसिप्रोकल का इंपॉर्टेंस भी समझाया था, रेसिप्रोकल यस 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 रेसिप्रोकल लगाया था सुलेमान, एकदम करेक्ट है, एब्सोल्यूटली रेसिप्रोकल को यूज किया था हमने, सीधा नहीं आ पा रहा था इसलिए रेसिप्रोकल लगाया था, यस 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 सही जवाब। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना, अच्छे से याद रखना, म्यूजेटी फॉर वंडरवाल आ गया। अब हम जूल थॉमसन इन्वर्जन कर्व की बात करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंक्लूजन की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या किया बात कर ली हम लोगों ने, एक्सपेरिमेंट क्यों किया बात कर ली हम लोगों ने, एक्सपेरिमेंट से क्या निकाला जाता है बात कर ली हम लोगों ने, क्या निकाला जाता है बात कर ली हम लोगों ने, अब इस एक्सपेरिमेंट का यूज क्या है, कंक्लूजन, इसको इसको यूज कैसे करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसके लिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड जूल थॉमसन, जूल थॉमसन इन्वर्जन कर्व, इन्वर्जन कर्व, ये एक बहुत काम की बात है, ये हमको समझनी है, दिस इज कॉल्ड जेटीआईसी एंड जे टी आई सी इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जे टी आई सी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत 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 ज्यादा काम की बात है जे टी आई सी। अगर हम किसी भी गैस के लिए अलग अलग प्रेशर्स पर अलग अलग टेम्परेचर्स कैलकुलेट करें किसी गैस का, व्हाट आई एम सेइंग क्लियरली लिसन टू मी, अगर हम किसी भी गैस के लिए अलग अलग प्रेशर्स पर डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर लेके उसके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स को मेजर करें गैस के को, और मेजर करके कर्व प्लॉट करें, तो जो कर्व बनेगा उसको हम आइसोएंथैल्पिक कर्व बोलते हैं। तो पहले तो जूल थॉमसन इन्वर्जन कर्व बाद की बात है, पहले मैं आइसोएंथैल्पिक कर्व बना रहा हूँ, कर्व बना के लाया हूँ मैं ताकि टाइम बच जाए, अगर बना हुआ होगा तो ये बना हुआ, बहुत बढ़िया। आइए
इससे हमारा समय बच जाएगा, खोटी कम होगा समय। आइए जरा समझते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, वही हमारा वाला एक्सपेरिमेंट था, वो फलाना डिमकाना हमने लगाया हुआ था, याद करो, इस तरह से इंसुलेटेड ये लगाया हुआ है और ये आपका पोरस प्लग है, ये आपका इस तरह से पोरस प्लग है और यहाँ से अपनी गैस इन है और यहाँ से गैस आउट है, आइसो एजो एडियाबेटिकली हम लोग एक्सपांड करवा रहे हैं गैस को। अगर हम अलग अलग प्रेशर्स और अलग अलग टेम अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग टेम्परेचर मेजर करें तो इस तरह के पॉइंट हमको मिलेंगे, जैसे ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पी वन टेम्परेचर। और टी पी कर्व अगर हम बनाए, अगर टेम्परेचर और प्रेशर के बीच कर्व खींचे, हम टेम्परेचर ही मेजर कर रहे हैं अलग अलग प्रेशर्स पर, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पर टेम्परेचर चेंज ही मेजर कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेजरिंग द चेंज इन टेम्परेचर एट डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स और चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज होने के साथ साथ टेम्परेचर चेंज ही मेजर ही कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा टी ओवर डेल्टा पी ही मेजरमेंट कर रहे हैं म्यूजेटी के लिए। तो एक टी पी कर्व ड्रॉ करते हैं और जब टी पी कर्व ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह के पॉइंट आपको मिल सकते हैं, टी वन पी वन, टी टू पी टू, टी थ्री पी थ्री, टी फोर पी फोर। इस तरह के अगर इन पॉइंटों को जोड़ दे, दो चार बातें समझ लेना। पहली बात तो जब भी कोई गैस यहां से एक्सपांड हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और ये बात किसी के समझ में नहीं आती है, कर्व लोग स्मूथ बना देते हैं पर ये एक रिवर्सिबल कर्व नहीं है, मैं यही कह रहा हूं, ये सब इररिवर्सिबल पॉइंट्स है। प्लीज लिसन टू मी, प्लीज क्लियरली लिसन टू मी, ये सब इररिवर्सिबल पॉइंट है, बिकॉज गैस जब यहां से एक्सपांड कर रही है तो वो रिवर्सिबली नहीं कर रही है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, वो झटके में एक्सपांड कर रही है, इरिवर्सिबल एक्सपांशन है। इसका मतलब प्लीज पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, गैस एक्सपांड हो रही है वो इरिवर्सिबल हो रही है। इसीलिए हम जब प्रेशर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो पोरस प्लग से काफी दूर मेजर करेंगे, काफी दूर, ताकि वो जो आपके क्या बोलते हैं गैस के इरिवर्सिबल का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। तो एक तो आप प्लीज ये कर दीजिए, यहां पर हम डैश डैश लिख सकते हैं बिकॉज ये एक्सपेंशन है वो रिवर्सिबल नहीं है, ऐसे करके आप इसको डैश डैश लिख दें तो बेटर होगा। हमने तो केवल इन पॉइंटों को जोड़ के एक कर्व बनाए, ये जो कर्व आपको मिलेगा इसे हम बोलेंगे आइसो एंथेल्पिक, पॉइंट्स ऑफ इक्वल एंथेल्पी है इसीलिए इसको बोलेंगे आइसो एंथेल्पिक कर्व, आइसो एंथेल्पिक कर्व, दिस इज आइसो एंथेल्पिक कर्व, ऐसे, ठीक है। अब अगर हम अलग अलग गैसेस के लिए आइसो एंथेल्पिक कर्व बनाएं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए, एक गैस के लिए हमने अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर में बना लिया, ऐसे अगर अलग अलग गैसेस के लिए आइसो एंथेल्पिक कर्व बनाए, पहले तो देख लेते हैं इस आइसो एंथेल्पिक कर्व की स्लोप क्या देगी हमको। तो पहली चीज हम समझ रही, बहुत ढंग से समझिएगा प्लीज, मैंने किस किस के बीच कर्व ड्रॉ किया है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच कर्व ड्रॉ किया है, पी और टी, डिफरेंट पी पर डिफरेंट टी मेजर कर करके मैंने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच कर्व मेजर किया है। सबसे पहले इस कर्व की स्लोप क्या देगी हमको बताओ, तो आप बताओ इस कर्व की स्लोप क्या होगी, दैट विल बी डेल टी ओवर डेल पी होगी 100% एट कॉन्स्टेंट एच, और वही क्या होगा या डी टी बाई डी पी होगी, एक तरह से डी टी बाई डी पी होगी, पर मैं डेल टी इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज यहां ये स्मूथ कर्व नहीं है, प्लीज सुन लेना, डेल क्यों लिख रहा हूं मैं, डेल क्यों, वाह आई आई एम राइटिंग डेल, बिकॉज ये स्मूथ कर्व नहीं है, ये रिवर्सिबल का कर्व नहीं है, वरना तो मैं टेंजेंट खींच लेता, टेंजेंट खींच लेता। तो ये चीज दैट इज इक्वल टू म्यू जे टी, म्यू जे टी की कहानी होगी या म्यू जे टी देगा एक तरह से, पहली बात। अब अगर अगर हम बात करें टेम्परेचर कूलिंग होगी या हीटिंग होगी, इसको अगर हम इस स्लोप से देखें तो हम स्लोप से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, आराम से सुन लीजिएगा प्लीज, प्लीज आराम से सुन लीजिएगा। अगर हम म्यूजेटी की बात करें तो म्यूजेटी का फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत ढंग से समझिएगा, बहुत लोगों को समझ नहीं आता है इसीलिए लोग कर्व से बचते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा के निकल जाते हैं, और काम की बात कर्व ही है, काम की बात फॉर्मूला नहीं है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो कर्व ही है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इंपॉर्टेंट बात फॉर्मूला नहीं है, कर्व ही है, उसी के थ्रू हम चीजों को कोरिलेट करेंगे। तो दैट इज डेल टी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच, बहुत बढ़िया। क्या आप ये बात जानते हैं इस जेटी एक्सपेरिमेंट में, इस पूरे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक्सपेंशन करवाए वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर करवाए, बहुत ढंग से समझिएगा, एक्सपेंशन करवाए वो एच पी से एल पी की तरफ एक्सपेंशन करवाए। अगर हम P1 मान लें और P2 मान लें इसको, तो डेल्टा P आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव, बिकॉज हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा। इट मींस हमें ये अच्छे से पता है किसी भी गैस के लिए किसी भी कंडीशन पे लेंगे तो ये वाली चीज तो हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है।
अब कोई भी गैस एक्सपेंशन के बाद ठंडी होगी या गर्म होगी। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कूलिंग और हीटिंग, समझ लीजिएगा बहुत बढ़िया से, कॉन्सेप्ट ऑफ कूलिंग और हीटिंग, हीटिंग या कूलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम। वो गैस जो एक्सपांड होगी वो हीट होगी एक्सपांड होने के बाद या कूल होगी। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि अगर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज्यादा है, एवरीबडी नोज, अगर किसी भी गैस का, बहुत ढंग से सुन लीजिएगा मेरी बात को, और उसको हम इससे रिलेट करेंगे और इसको हम फिर कर्व से रिलेट करेंगे। अगर किसी भी गैस का फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा है, मतलब बाद में टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड हीटिंग, इसको हम एक हीटिंग का फिनोमिनन कहते हैं। यस, किसी भी गैस का फाइनल टेम्परेचर अगर इनिशियल टेम्परेचर से घट जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं कूलिंग, कूलिंग कि बाद में टेम्परेचर घट जा रहा है जी, दैट इज कॉल्ड कूलिंग। और अगर टी आई बराबर या टी एफ बराबर टी आई है, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर बराबर है, ऐसे केस में हम बोलते हैं नीदर कूलिंग नॉर हीटिंग, नीदर कूलिंग नॉर हीटिंग, कुछ नहीं हो रहा है जी उस गैस का, ना वो कूल हो रही है ना वो हीट हो रही है। बहुत बढ़िया, आप मुझे बताइए क्लियरली, अगर ऐसा है टी फाइनल टी इनिशियल से ज्यादा है तो डेल टी कैसा होगा? डेल टी विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव, बिकॉज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा डेल टी, एंड दैट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव। फाइनल वाला ज्यादा है इनिशियल वाले से तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कूलिंग हो रही है तो डेल टी विल बी नेगेटिव, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, दिस विल बी नेगेटिव। यस ऑफ कोर्स, कोई नहीं इस बात से इनकार कर सकता, अगर फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है तो इट विल बी नेगेटिव, और अगर नीदर कूलिंग नॉर हीटिंग है तो डेल टी विल बी जीरो। यस, इसमें भी कोई दोहराए वाली बात नहीं। अब अगर ये मेरे पास आ जाए तो यहां से मैं इसको म्यूजेटी से करेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इसका साइन ऑलवेज पता है नेगेटिव है। अगर इसका साइन ऑलवेज नेगेटिव है तो यहां से कंक्लूजन आ जाएगा म्यूजेटी क्या हो जाएगा, ये तो नेगेटिव ही है, और अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो म्यूजेटी विल बी ओवरऑल नेगेटिव डेफिनेटली। इस केस में ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव हो जाए, ऊपर वाला भी नेगेटिव नीचे वाला भी, क्योंकि ऊपर वाले का तो साइन मेरे को मालूम ही छे, सॉरी नीचे वाला का तो साइन मेरे को मालूम ही छे, वो तो मैंने लिया ही है ऑलवेज, एंड दिस इज नेगेटिव, आई हैव ऑलरेडी टेकन इट, ये तो नेगेटिव है ही। देन इट विल बी क्या आएगा बेटा जी, अगर डेल टी भी नेगेटिव है तो म्यू जे टी विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव, राइट और नॉट, राइट और नॉट। और अगर डेल टी जीरो है तो म्यू जे टी विल बी जीरो, 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 म्यू जे टी आपका जीरो रहेगा। क्या आपके ये तीन कंक्लूजन्स आपने ड्रॉ किए, क्या समझ में आए? क्या फाहिम चौधरी, मैं बता चुका हूं नवंबर दिसंबर वालों का खत्म हो जाएगा 15 से 20 सितंबर के बीच, 15 सितंबर लास्ट है, दो चार दिन ऊपर नीचे हो जाए तो। और अब पहले पढ़ ले यहां पे, हाँ दिसंबर वालों का मैं बता चुका हूं, क्या ये बात पढ़ लिया, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव और वो जीरो, गॉट इट? टाइम्ड आउट करो भाई, इसको हिडन कर दो। हाँ क्लियर है, बोलो। अब इसको अगर हम स्लोप से कनेक्ट करें तो स्लोप, दिस इज स्लोप एक तरह से, तो स्लोप विल बी क्या कहेंगे हम लोग, स्लोप विल बी, अगर हम इसको बात करें, इसको स्लोप से कनेक्ट करें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इन केस ऑफ स्लोप की बात करेंगे आप कर्व में, तो स्लोप में आप ये कह सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगी तो कूलिंग, ये देखिए हीटिंग, अरे यार कहाँ गया वो, अच्छा आगे की तरफ गया क्या? हाँ ये देखो, स्लोप नेगेटिव है तो इट्स केस ऑफ हीटिंग, स्लोप पॉजिटिव है इट केस ऑफ कूलिंग, और स्लोप अगर जीरो है तो इट इज ए केस ऑफ नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग। सो मैं कह रहा हूं
अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इट्स केस ऑफ हीटिंग हीटिंग, अगर ये नेगेटिव है इट्स ए केस ऑफ कूलिंग कर्व का, और अगर ये जीरो है इट्स केस ऑफ नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग अब कुछ बातें समझ लो। पहला, आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी की वैल्यू क्या होगी? अगर कोई मुझसे पूछ ले आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी क्या है, तो जीरो है तो आइडियल गैस की कंडीशन तो मैं एक सेकंड में बोल सकता हूं। आइडियल गैस के लिए मुझसे कोई पूछेगा, फॉर आइडियल गैस एट ऑल टेम्परेचर्स, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर की बात करें, फॉर आइडियल गैसेस, अगर आइडियल गैसेस की बात कर रहे हैं, एनी टेम्परेचर फॉर एनी पीटी, किसी भी पीटी के लिए अगर हम चर्चा कर लें आइडियल गैसेस के लिए, तो म्यूजेटी तो आइडियल का वैसे ही जीरो था बिना टेम्परेचर प्रेशर लिखे, इसका मतलब आइडियल गैसेस तो नीदर हीट नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग का कॉन्सेप्ट दिखाएंगी, उनका टेम्परेचर सेम रहेगा, ना वो हीट होंगी और ना वो कूल होंगी, नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग। क्या ये बात आपको समझ में आया आइडियल गैसेस के लिए? अब हम रियल गैसेस के लिए कर, आइडियल के तो वैसे भी कर्व नहीं बन सकता, आइडियल का तो कर्व होता नहीं है, अब हम रियल गैसेस के लिए कर्व प्लॉट कर सकते हैं और कर रखे हमने और उनसे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। आइए अब हम रियल गैसेस के लिए बात करना चाह रहे हैं, तो पहले तो मैंने एक रियल गैस के लिए आइसोएंथैल्पिक कर्व बना दिया यहां पे, दिस इज कॉल्ड आइसोएंथैल्पिक कर्व, और राइट साइड में जूल थॉमसन इन्वर्जन कर्व, दैट इज दिस इज कॉल्ड आइसोएंथैल्पिक कर्व, आइसोएंथैल्पिक कर्व किसी भी एक गैस के लिए, ठीक है, आइसोएंथैल्पिक कर्व किसी एक गैस के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया है, और फिर वो डिफरेंट गैसेस के लिए जेटी आईसी ड्रॉ किए, जूल थॉमसन इन्वर्जन कर्व ड्रॉ कर रखे मैंने, वेरी गुड, जेटी अलग अलग गैस लेके जेटी आईसी ड्रॉ कर रखा है। पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ कि इसका जब मैं कर्व ड्रॉ किया हूं मैंने, तो ये वाला जो पोर्शन है जहां पर ये जाके जीरो हो रहा है एक तरह से, ये वाले जो टेंजेंट टेंजेंट क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द पी हो जाएगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी, बोलो वहां पर म्यू जेटी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर एकदम आपकी ये टेंजेंट है ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी, इस पॉइंट पर म्यू जेटी आपका जीरो हो जाएगा। इससे पहले वाले पॉइंट्स की अगर बात करेंगे, ये कर लीजिए, इससे पहले वाले पॉइंट्स की बात करेंगे, तो बताओ यहां पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, और ये देखिए 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 ये वाले कर्व होते हैं किसको होते हैं, पॉजिटिव स्लोप होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, बोलो बेटा जी थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा पॉजिटिव स्लोप, और ये वाले कर्व जो होते हैं ये क्या होते हैं, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऐसे केस में ये नेगेटिव स्लोप्स होती है, नेगेटिव स्लोप्स होती है। पढ़ लीजिएगा बहुत ढंग से इन्वर्जन कर्व को, प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा इन्वर्जन कर्व को, सुन रहे हो ना ढंग से। तो अगर हम यहां बात करें तो ये वाले जो आ रहे हैं एक पॉइंट्स, ये सब क्या है, ये नेगेटिव स्लोप्स हैं, इट मींस ये वाला जो पोर्शन होगा जिस पॉइंट से पहले स्लोप पॉजिटिव है उसको हम कूलिंग बोलेंगे, क्या कूलिंग जोन या कूलिंग एरिया बोलेंगे, और ये जो होगा उसको हम हीटिंग जोन या हीटिंग एरिया बोलेंगे। So, इतना समझ लीजिए, जिस पॉइंट के लेफ्ट में कूलिंग है और जिस पॉइंट के राइट में हीटिंग है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर। अलग अलग गैसेस के लिए यहां मैंने वो पॉइंट मेंशन कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस लेके उस पॉइंट को ही बोलते हैं, दिस पॉइंट जिससे पहले कूलिंग और जिसके बाद हीटिंग होगी या जिस पर म्यूजिटी जीरो होगा, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन पॉइंट या इन्वर्जन टेम्परेचर कहेंगे। क्या आपको ये वाली मेरी बात समझ में आ गई क्या, या इन्वर्जन पॉइंट ही बोल देंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर प्रेशर का या पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, और इसके टेम्परेचर को इन्वर्जन टेम्परेचर, इसके प्रेशर को इन्वर्जन पे प्रेशर कहेंगे। क्या ये आपको बात समझ में आ गया क्या?
अब अगर मैं अलग अलग गैसेस के लिए ये वाले पॉइंट ड्रॉ करो, देखो अलग अलग गैसेस के लिए प्रॉकर रखा है, ये देखो इस तरह के कर्व है, 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 इन सारे कर्वों में इस पॉइंट के बाद जाके स्लोप नेगेटिव हो रही है, इनसे पहले स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अंदर वाला जोन कूलिंग है, बाहर वाला जोन हीटिंग का है। तो इन पॉइंटों को अगर हम मिला दें और मिला के कर्व बनाएं, इन पॉइंट को मिला के कर्व बनाएं, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन कर्व, इसको बोलते हैं इन्वर्जन कर्व। इसके अंदर अंदर का पूरा जोन कूलिंग जोन होता है और इसके बाहर का पूरा जोन हीटिंग जोन होता है। मेरे ख्याल से एवरीबडी इज क्लियर, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ये मैंने केवल और केवल एक गैस के लिए बनाया और ये मैंने अलग अलग गैसेस के लिए बनाया। क्लियर समझ में आया? उल्टा लिख दिया? कहां उल्टा लिख दिया मेरे भाई, कहां उल्टा लिख दिया? अच्छा यहां उल्टा लिख दिया क्या? ओके 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 ओके, हाँ म्यूजेटी नेगेटिव है तो हीटिंग है, मैंने उल्टा लिख दिया क्या म्यूजेटी? हाँ, ठीक कर लो, पॉजिटिव है तो कूलिंग है, कर दिया ठीक मेरे भाई, और नेगेटिव है तो हीटिंग है। हाँ हाँ उल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। ये रहा ना यार, ये सारा मेंशन कर तो रखा है यार, इसको देखो ना, ये रहा सारा का सारा, नेगेटिव है तो हीटिंग है, पॉजिटिव है तो कूलिंग है, और अगर स्लोप जीरो है तो नीदर हीटिंग नीदर कूलिंग है। क्या आपको ये कर्व समझ में आ गया? क्लियरली इन्वर्जन कर्व आपको क्लियर है पक्का? अरे क्या क्या खुल जाता है साला पीपीटी। हाँ इन्वर्जन कर्व क्लियर है आपको? बोलो बेटा जी, इस पॉइंट से जो पॉइंट हमने मेंशन कर दिया, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से, इस इन्वर्जन पॉइंट से इस तरफ क्या होगा कूलिंग जोन, इस तरफ क्या होगा हीटिंग जोन आपका, ये हमने मेंशन कर रखा है। इस पॉइंट से इस तरफ कूलिंग जोन, उस तरफ हीटिंग जोन होगा आपका। इन सारे पॉइंटों को मिला दे तो एक इन्वर्जन कर्व बन जाएगा, जिसके अंदर का एरिया कूलिंग जोन, जिसके बाहर का एरिया हीटिंग जोन होगा, हीटिंग जोन होगा। क्लियरली समझ में आया? पक्का बोलो, कन्फर्म बोलो रे, क्लियरली समझ में आया? इन्वर्जन पॉइंट जिस पॉइंट से पहले, अरे यार पहले कूलिंग हो बाद में हीटिंग हो उसको इन्वर्जन ही तो कहते हैं, अचानक से पैटर्न बदल जाए। उसी को तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। एग्जैक्टली उसी को पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। एकदम क्लियर है ना? झकास वाला क्लियर है ना? एकदम झकास वाला क्लियर है ना भाई? कैलकुलेट करो इन्वर्जन टेम्परेचर फॉर वंडरवाल गैस। किसी के लिए भी इन्वर्जन टेम्परेचर निकालना हो, अच्छा एक बात बताओ, इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है ये भी देख लेते हैं। इन्वर्जन पॉइंट पर क्या हो रहा है? इन्वर्जन पॉइंट पर म्यूजेटी आपका जीरो हो जा रहा है, म्यूजेटी जीरो हो जा रहा है, मतलब गैस बिहेव इस पॉइंट पर नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग, और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर गैस बिहेव एज आइडियल गैस। इस पॉइंट पर जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, बिहेव करती है। इसी टेम्परेचर को बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। कैसे निकालेंगे? कभी भी कैलकुलेशन करनी हो इन्वर्जन टेम्परेचर की,
तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के लिए स्लोप जीरो कर देंगे, म्यू जे टी विल बी जीरो, म्यू जे टी बोले तो डेल टी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी विल बी जीरो, बोले तो माइनस वन अपॉन सी पी या वट एवर जो भी है, माइनस वन अपॉन सी पी डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी जीरो जीरो जीरो, और ये तो जीरो हो नहीं सकता सीपी, मतलब कुल मिला के यही जीरो। तो कुल मिला के इससे कंक्लूजन क्या आया, माइनस वन अपॉन सीपी डेल एच ओवर डेल पी चुप रे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जीरो, डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जीरो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये तो जीरो हो नहीं सकता किसी भी सूरत हाल में, डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जीरो बराबर माइनस टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस वी बराबर जीरो बराबर जीरो, और सॉल्व कर देंगे तो टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर वी, बोले तो टी बराबर आ जाएगा वी डिवाइड बाई डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दिस विल बी द इन्वर्जन टेम्परेचर, दिस विल बी द इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या आपको निकालना आ गया? मेरे ख्याल से निकालना आ गया। क्या आपको निकालना आ गया मेरे ख्याल से? पक्का बोलो, पक्का बोलो, निकालना आ गया? वंडरवाल के लिए निकालो, गैस बिहेव नहीं, वंडरवाल गैस बिहेव, हर्ष जलान सब गैस बिहेव बराबर नहीं, वंडरवाल गैस बिहेव, यही तो लफड़ा है, यही तो मार खा जाते हैं लोग। ऑल गैस बिहेव इज आइडियल नहीं हर्ष, ओनली वंडरवाल बिहेव इज आइडियल एट टू ए बाई आर बी, एट टू ए बाई आर बी। तो इन्वर्जन टेम्परेचर निकालो आइडियल गैस के लिए, इन्वर्जन टेम्परेचर निकालो आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए तेरे नहीं आए इन्फिनिटी क्रिएटिव आइडियाज तो तेल लेने जा, जरूरत नहीं है, निकल यहां से। आइडियल गैस के लिए निकालो आइडिया, उस आइडियल गैस के लिए, आइडियल के लिए पूछ रहा हूं पहले, आइडियल के लिए फिर वंडरवाल के लिए। मुझे इन्वर्जन टेम्परेचर चाहिए आइडियल एंड वंडरवाल, इन्वर्जन टेम्परेचर टी इन्वर्जन फॉर आइडियल एंड वेंडरवाल, आइडियल और वेंडरवाल्स के लिए टी इन्वर्जन चाहिए मांगता है मेरे को, फटाफट से निकाल के बताओ क्या होगा। पहले आइडियल के लिए बताओ क्या होगा, और फिर वेंडरवाल के लिए बताओ क्या होगा। अमन साचन, क्योंकि उसमें इन्वर्जन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आइडियल के लिए उत्तर दो मुझे, यस वेंडरवाल के लिए तो टी बराबर टू ए बाई आर बी आ गया होगा, टू ए बाई आर बी सही जवाब। वेंडरवाल के लिए टी इन्वर्जन आया होगा टू ए बाई आर बी, बिल्कुल सही जवाब, कोई दो राय नहीं, टी इन्वर्जन आया होगा टू ए बाई आर बी।
टू ए बाई आर वी। सही जवाब। आइडियल गैस के लिए एनी टेम्परेचर, एवरी टेम्परेचर, लिख लो, कोई भी टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर कह सकते हो आप, या सारे टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए आइडियल ही है, सारे टेम्परेचर। इसका उत्तर है टेम्परेचर की टर्म्स में सारे टेम्परेचर, और इन्वर्जन की टर्म्स में हम बोलेंगे कि उनमें इन्वर्जन होता ही नहीं है, क्योंकि उनमें कूलिंग हीटिंग कर्व ही नहीं होते हैं, कूलिंग हीटिंग कर्व ही नहीं होते हैं। सो एनी टेम्परेचर यू कैन से इज ए इन्वर्जन टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर, बिल्कुल हिमांशु कुशवाहा, सभी टेम्परेचर इन्वर्जन ही है, बिकॉज हर टेम्परेचर पर वो आइडियल की तरह ही बिहेव कर रही है, आइडियल ही है, आइडियल ही है। डेरिवेशन करके दिखा दें, दिखा देते हैं डेरिवेशन करके। भैया किसी को डेरिवेशन करके चाहिए? मुन्ना, मुन्ना को डेरिवेशन चाहिए भैया। अरे मुन्ना, म्यूजेटी क्या है वांडरवाल के लिए? मुन्ना कभी कभी तो मुझे लगता है 2a अपॉन rt क्या था, पीछे था ना, क्या निकाला, याद तो मुझे रहता नहीं, मैं तो निकाल ही लेता हूँ बस। ये रहा 2a अपॉन rt माइनस बी, 2a अपॉन rt माइनस बी, ये था म्यूजेटी। और मुन्ना, म्यूजेटी को जीरो कर दे, नाम भी मुन्ना है, बात भी मुन्ने जैसी ही कर रहा है, इसको जीरो कर दे मुन्ना, तो ये पूरी वैल्यू, ये तो जीरो होगा नहीं, पूरी वैल्यू जीरो, तो 2a अपॉन rt माइनस बी बराबर जीरो। मुन्ना, मुन्ना इसको जीरो करेगा तो ऐसे b उधर चला जाता है, और इसको लिख सकते हैं 2a बाई आर टी बराबर बी मुन्ना, और ऐसे करेगा तो मुन्ना t बराबर 2a बाई आर बी आ जाएगा। वाह वाह, क्या डेरिवेशन करवा दिया मुन्ना ने मुझसे, गजब ही करवाया भैया, मतलब कमाल ही डेरिवेशन करा दिया यार, जबरदस्त बेहतरीन डेरिवेशन करा दिया यार, क्या डेरिवेशन है ना, एकदम तगड़ा वाला, मतलब जाने क्या ही करवा दिया है ये। तपन कुमार साहू, जानने के लिए देखेंगे गैसेस स्टेट, अभी हम बॉयल टेम्परेचर के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, क्रिटिकल, बॉयल और इन्वर्जन तीनों आप गैसेस स्टेट में चर्चा करेंगे, इसीलिए तो मैं बोलता हूं थर्मो के साथ गैसेस बहुत जरूरी है। बॉयल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर, तीनों की चर्चा है, आप होमवर्क है आपको, घर से करिएगा, मैं असाइनमेंट डिस्कशन में करा दूंगा, बिकॉज अब ये गैसेस स्टेट का मामला आ गया, तीनों का रिलेशन क्या संबंध है, वर्सेज 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 क्या है ये, इनके बारे में घर पे चर्चा कर लीजिएगा, मैं असाइनमेंट में करवा दूंगा, ठीक है। अब पहली बात तो इतना समझ लो प्लीज, टू टी बराबर 2a बाई आर बी जो है, टी इक्वस टू 2a बाई आर बी जो है, केवल और केवल इस टेम्परेचर पर ओनली वांडरवाल गैस बिहेव्स, ओनली वांडरवाल गैस बिहेव्स एज आइडियल, तो वांडरवाल के लिए है ये, समस्त गैसों के लिए नहीं है। कई सारे मूर्ख भद्रजन ये समझते हैं सारी गैसें ही इस टेम्परेचर पे आइडियल की तरह बिहेव करेंगे, नहीं मुन्ना नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता, केवल और केवल आइडियल के लिए ही बात चल रही है। हाँ, वैल्यू तो नंदनी पता है, मैं सिग्निफिकेंस पूछा हूं, ए बटा आर बी, 8 बटा 27 ए बाई आर बी और 2 ए बाई आर बी, सही जवाब है, सभी जवाब है नंदनी, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। वांडरवाल के लिए और है, चलो नंदनी ने बता ही दिया तो मैं भी लिख देता हूं आपको, वैल्यू लिख देता हूं वांडरवाल के लिए, वेंडरवाल के लिए डेरिवेशन किया जा सकता है, पर क्योंकि ये थर्मो का काम नहीं है, अब यहां गैस स्टेट शुरू हो गई, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया तो, बॉयल टेम्परेचर टीबी बराबर ए बाई आर बी,
ये भी किसी की स्लोप जीरो करने से आता है, जान लीजिएगा किसकी, क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी बराबर 8/27 ए बाई आर बी, और इन्वर्जन टेम्परेचर टी आई बराबर 2 a/r b। वैल्यू तो मैंने लिख दी, सिग्निफिकेंस आपको समझना है वैन डर वाल गैसेस के लिए। यू हैव टू कंक्लूड व्हाट इज दिस, क्या होता है ये, क्या होता है ये, क्या होता है ये, क्यों होता है ये। तो कितने लोगों को, कितने प्रतिशत लोगों, हाँ उनके क्वेश्चन ऑफ स्टेट लगेंगे हर जालन, सही जवाब, कितने प्रतिशत लोगों को JTIC समझ में आ गया, जूल थॉमसन इन्वर्जन कर्व समझ में आ गया और उसके बारे में समस्त बातें समझ में आ गई, कितने प्रतिशत लोगों को ये समझ में आ गया, यस नो जो भी लिखना है लिख दीजिए, कितने प्रतिशत लोगों को ये JTIC पल्ले पड़ गया बताओ। ये जो ब्लू ब्लू सा कर्व है, आज ब्लू है पानी पानी पानी, ये जो ब्लू ब्लू सा कर्व है, ये इस ब्लू ब्लू से ब्लू ब्लू से ब्लू ब्लू से ब्लू ब्लू से कर्व के अंदर का जोन क्या है, कूलिंग, ठंडा ठंडा कूलिंग, और इसके बाहर का जो जोन क्या है, गरम गरम हीटिंग, गरम गरम हीटिंग, गरम गरम हीटिंग। झकास आया क्या, एकदम एकदम झकास आया क्या, एकदम झकास आया क्या, ये बताओ। मैथमेटिक्स से तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, झकास आया क्या ये बताओ मुझे, एकदम झकास आया। लो प्रेशर्स पर मोस्ट ऑफ द गैसेस कूलिंग जोन में लाई करती हैं, ये भी लिख लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, मोस्ट ऑफ द गैसेस शोज कूलिंग पैटर्न, ज्यादातर गैसेस कूलिंग पैटर्न शो करती हैं एक्सपेंशन के बाद, मोस्ट ऑफ द गैसेस शोज कूलिंग पैटर्न, मोस्ट ऑफ द ज्यादातर गैसेस कूलिंग पैटर्न शो करती हैं, ज्यादातर गैसेस। अब कई लोग इसको टेम्परेचर से कनेक्ट करते हैं, मैं उन लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, प्लीज, मिसकंसेप्शन है कई लोगों को, सवाल करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं, क्वेश्चन। एक गैस है पी वी माइनस बी बराबर बराबर आर टी, क्या होगा इसका इन्वर्जन टेम्परेचर, क्या होगा इसका हाँ यस हिमांशु कुशवाहा, वो देख के बता सकते हैं क्या होगा, बताइए क्या होगा इस पर्टिकुलर गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर, टी इन्वर्जन क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। जल्दी देख के बताओ,
जल्दी 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 इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। क्या होता है म्यूजेटी? व्हाट इज म्यूजेटी? दैट्स कम्स आउट टू बी हाउ मच? इट्स वन अपॉन या माइनस वन अपॉन सी पी डेल एच ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट से ये क्या होता है? बहुत सुंदर भद्रजनों वाली बात करते हैं। ये बराबर होता है, दिस कम्स आउट टू बी बराबर होता है, हम इसको आइसन कह सकते हैं, माइनस वी डेल वी ओवर डेल टी, सॉरी माइनस टी डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस का वी प्लस का वी। राइट और नॉट? ले लू, निकाल लो डेल वी ओवर डेल टी की, इसको जीरो करना है, मतलब इस पूरे को जीरो करना है, इसको जीरो करना है। राइट और नॉट? इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए वैल्यू निकाल लो डेल वी ओवर डेल टी, तो वी बराबर आ गया आर टी बाई पी प्लस बी बाई एन। डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कम्स आउट टू बी आर बाई पी, टी का तो वन हो गया और इसका तो जीरो हो गया। डेफिनेटली डेल वी बाई डेल टी चाहिए मुझे आर बाई पी, रख देंगे माइनस टी आर बाई पी प्लस वी बराबर जीरो। बिल्कुल आसानी से पुट कर दिया हमने, कर दिया। तो टी बराबर क्या आ गया जनाब, बोलो टी आर बाई पी बराबर वी कम्स आउट टू बी टी इन्वर्जन बराबर पी वी बाई आर। पी वी बाई आर, पी वी बाई आर की वैल्यू कितनी होगी? यहां से निकाली जा सकती है क्या? हाँ निकाली जा सकती है, सॉल्व कर लीजिए। जो सॉल्व करेंगे वो भी ए बी की टर्म्स में वहां से आ जाएगी। पी वी बाई आर, तो पी वी माइनस पी बी बाई एन, या पी वी बराबर हो जाएगा आर टी प्लस पी वी बाई एन, डिवाइड बाई आर कर देंगे तो कम्स आउट टू बी टी प्लस पी बी बाई 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 क्या एन आर, ये आ जाएगा। ठीक है, या वाट एवर जो भी सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, और भी किसी टर्म में रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। चलिए देखिए, ये सवाल हो चुके थे क्या? यू व्यू वाले तो हो चुके थे। सवाल करते हैं जूल थॉम्सन वाले, आइसोथर्मल कंपैरिजन के सवाल हो गए थे क्या? हो गए थे। टिफर का सवाल, चालू हो जाइए क्वेश्चन करने में, फटाफट शुरू हो जाइए, फटाफट शुरू हो जाइए। कहाँ है जूल थॉम्सन वाले सवाल? इसके बाद ही है। ठीक, द स्टेट ऑफ ए सर्टन अमाउंट ऑफ अ गैस, यस पी वी बाई आर को फिर सॉल्व कर लेंगे फिर। द स्टेट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ ए गैस
बताइए क्या आंसर होगा। हाँ अच्छा, ये रहे ऑप्शंस, और भी ऑप्शंस हैं, और भी ऑप्शंस हैं। और भी ऑप्शंस हैं, पीछे करके देख लो पिछली स्लाइड, और भी ऑप्शंस हैं, पीछे करके देख लो पिछली स्लाइड। ऐप में नहीं होता है पीछे, कोई बात नहीं, ये लो पीछे कर देता हूं, ऐप में नहीं होता है। किसी भी पीवी कर्व फिजिबल होगा या नहीं होगा का क्या बता रखा है मैंने, बताओ। कोई भी पीवी कर्व फिजिबल होगा या नहीं होगा इसका क्या बता रखा है मैंने, बताओ। मैंने बता रखा है या तो आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, आइसोकोरिक हो, ठीक है, या पॉलीट्रॉपिक हो। नॉर्मली ये सब फिजिबल होते हैं, ये तो नॉर्मली हमने सब फिजिबल पढ़े ही है, राइट और नॉट। या आइसोबारिक हो, ये भी हमने फिजिबल पढ़ा है। तो देख लो इसमें ये वाला प्रोसेस क्या है, ए से बी, दिस इज आइसोकोरिक एंड दिस इज आइसोबारिक, बिल्कुल फिजिबली पॉसिबल है, कोई समस्या नहीं इसमें। ये क्या है, दिस इज आइसो कॉरिक, दिस इज आइसो बारिक एंड दिस इज आइसो कॉरिक, बिल्कुल फिजिबली पॉसिस है। ये ए टू बी या तो एडियाबेटिक होगा या तो आइसो थर्मल होगा, इसका मतलब फिजिबली ये भी पॉसिबल है। ये क्या है, वही आइसो कॉरिक, बारिक कॉरिक, बारिक कॉरिक, यस फिजिबली पॉसिबल है, कोई समस्या नहीं है। और ये भी आइदर आइसो थर्मल और एडियाबेटिक और दोनों का कॉम्बिनेशन, सब फिजिबल पॉसिबल है, सारे फिजिबली पॉसिबल है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई, सारे फिजिबली पॉसिबल है, ठीक है। अभी मैं जस्ट एक इंपॉर्टेंट बात देख रहा था, वो बात ये है, ये वाला इस न्यूमेरिकल में मैथमेटिकली हमने निकाल लिया लेकिन इसमें गलती है, अगली क्लास में आपको देख के आना है क्या गलती करी हमने इसकी कैलकुलेशन में। ये जो निकाला ठीक है, मैथमेटिकली ठीक है, वहीं से हम लोग आपको कॉन्सेप्चुअल बात पे जाएंगे, मैथमेटिकली ठीक है लेकिन यस वी डिड ए मिस्टेक, व्हाट मिस्टेक इज दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। क्या मिस्टेक है शुरू करेंगे अगले क्लास से,
और कारनॉट साइकिल से, कारनॉट साइकिल से। इसमें हमसे ये एक मिस्टेक है, मैथमेटिकली इट इज करेक्ट, मैथमेटिकली इट इज करेक्ट, बट देर इज वन मिस्टेक एंड यू हैव टू फाइंड आउट वॉट दैट मिस्टेक इज। बेसिकली आपको वही समझना है क्या मिस्टेक है इसके अंदर। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, इसमें एक मिस्टेक है, आपको देखना है पूरी आज की क्लास के बेस पे, आपको यही फाइंड आउट करना है कि व्हाट दैट मिस्टेक इज। आप बताइए, शुरू हो जाइए, फटाफट मुझे बताइए सवाल का आंसर क्या होगा, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके फटाफट बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। जूल थॉमसन का सवाल है, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन की क्लास है। लास्ट ग्राफ का क्वेश्चन क्या बता दूं अनुष्का त्यागी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, ये प्रोसेस फिजिकली पॉसिबल है ना? हाँ फिजिबली पॉसिबल है भाई, हाँ फिजिबली पॉसिबल है भाई। हाँ फिजिबली पॉसिबल है, इसमें क्या बता दूं मैं, लास्ट में क्या बता दूं। बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्यूटली करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे रिपल्सिव फोर्सेस पे, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, मैंने तो टाइम दिया, मैंने कहा एक बार कर लेने दीजिए इनको। अट्रैक्टिव पार्ट डोमिनेट करेगा अगर रिपल्सिव पार्ट पे, तो डेफिनेटली गैस लिक्विफाई होगी, नॉट गलत है, नॉट गलत है, नॉट गलत है, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन हीलियम के बारे में हम अगर कमेंट जानना चाहते हैं तो आप एक बार गैसेस स्टेट देखें, और गैसेस स्टेट में जरूर आप गैसेस के ए और बी के बारे में चर्चा करें, आप गैसेस के ए और बी के बारे में चर्चा करें, आपको बातें समझ में आने लगेंगी, 100% समझ में आने लगेंगी, पक्का समझ में आने लगेंगी। दिस प्रोसेस एडियाबेटिक, यस एडियाबेटिक, क्या बताना है सी में, आइसो एंथेल्पिक, यस आइसो एंथेल्पिक, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, एब्सोल्यूटली। अच्छा ए बी वाला गैस स्टेट का पार्ट नहीं हुआ क्या अभी,
चलो फिर मैं अगली क्लास में एक बार आपको ए बी का आइडिया भी दे दूंगा। ऑप्शन डी समझ में नहीं आया? चलो अभी क्लास का टाइम हो रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, फिर आपका कोई दोष नहीं है, अगली क्लास में मैं आपको आइडिया देता हूँ इस सब के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। गैसेस का भी कंपैरिजन करवा दूंगा, मुझे लगा कि आपको कंपैरिजन आता होगा क्योंकि आप ए बी के बारे में जानते होंगे, मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस और मेजर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस और साइज, ये बात आप जानते होंगे। चलिए भी बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है मैं दूर कर दूंगा, मुझे लगा कि आपको ए और बी आता होगा। नहीं आता कोई बात नहीं, एक छोटा सा मेरी मदद करिएगा अगली क्लास में आने से पहले, यूट्यूब पे तो गैसेस स्टेट पड़ी हुई है या फिर ऐप पे भी गैसेस स्टेट आपके रिकॉर्डिंग में है, आप एक बार वंडरवाल गैस के ए और बी वाला जो लेक्चर है ना उसको देख के आइएगा, एक बार वंडरवाल गैस में ए और बी वाला लेक्चर उसको देख के आइएगा, एक बार वंडरवाल गैस में ए और बी वाला जो लेक्चर उसको देख के आइएगा, एक बार वंडरवाल गैस में ए और बी वाला लेक्चर उसको देख के आइएगा, एक बार वंडरवाल गैस में ए और बी वाला जो लेक्चर है ना उसको देख के आइएगा, ऐप पे भी पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, दोनों पे कैसेट पढ़ा हुआ है, वंडरवाल गैस में ए और बी वाला जो लेक्चर है उसको देख के आइएगा, फिर मैं थोड़ा सा इसको और कोलुलेट करके बताऊंगा और टीआई वाली बात भी बताऊंगा।